जनपद पंचायत नवागढ़ में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बेमेतरा जिला अंतर्गत जनपद पंचायत नवागढ़ में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। नवागढ़ जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष अंजलि मारकंडे के कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जहां पर मुख्य रूप से जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नरपत लाल साहू जी जनपद पंचायत के कर्मचारी के साथ उपस्थित रहे। साथ ही साथ जनपद पंचायत प्रांगण में ही महिला एवं बाल विकास कार्यालय भवन होने के कारण परियोजना अधिकारी शिल्पा तिवारी, उनके कर्मचारीगण भी जनपद पंचायत में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में संपन्न होने में मौजूद रहे। अभी विश्व महामारी कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरा विश्व हिला हुआ है, जिसके कारण हर्षोल्लास का कार्यक्रम नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ ध्वजारोहण का कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों के साथ कर्मचारीगण के द्वारा ही संपन्न किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी नरपत लाल साहू जी ने स्वतंत्रता दिवस पर पूरे विकास खंड नवागढ़ जनपद पंचायत के लोगों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अभी हमारा विकास खंड नवागढ़ काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिसे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आगे बढ़ाने के लिए हर छोटी से छोटी पहलू पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज के दौर में आवास, शौचालय, मुक्तिधाम, गोठान के साथ साथ अतिक्रमण का भी बहुत बड़ी संकट विपदा आती रहती है, जिससे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर हमें इससे धीरे धीरे सुधार करना है और हमें नवागढ़ विकासखंड को ऊंचे स्तर पर ले जाते हुए आगे बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण हम इस पर्व का उत्साह कुछ अलग ढंग से ही मनाए हैं, जो कि अभी भीड़ ज़्यादा नहीं करना है। जनपद पंचायत अध्यक्ष अंजलि मारकंडे ने भी अपने संबोधन में कहा कि हम आज पूरे जनप्रतिनिधियों, विकासखंड नवागढ़ के मौजूद अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग के कर्मचारीगण, अधिकारीगण के साथ यहाँ पर आज जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किए हैं, आज हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए आज इस पावन पर्व को मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और आज हमें आज़ादी को ही कायम रखना है और इसके साथ साथ हमें वीर बलिदानों को, जो हमारे देश के लिए प्राण त्याग दिए, उन्हें भी नहीं भूलना है। उसे याद करते हुए आज हमें हर स्थिति में उन्हें नम्र आँखों से याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए बलिदान की कहानी जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में उभर कर आई है उसे मना रहे हैं, जो आज उन्हें बलिदानों की देन है। जनपद पंचायत अध्यक्ष अंजलि मारकंडे ने पूरे जनपद पंचायत नवागढ़ के क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। जी सर, आज जनपद कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस का समारोह है, तो उसके विषय में बताएंगे सर। आज जो है 15 अगस्त 2020 को जो है जनपद पंचायत नवागढ़ में ध्वजारोहण अध्यक्ष महोदय श्रीमती अंजलि मारकंडे द्वारा किया गया। सदस्य एवं जनपद के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। सर, आज का शुभ अवसर है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विकास के अंतर्गत क्षेत्र को? ये जो है हमारा, जो बलिदानी थे उनके बदौलत जो है हमारा देश आज़ाद हुआ है। कि सभी देश तो स्वतंत्र हुआ है, सभी जो है निष्पक्ष रूप से शासन की योजना को गांव तक पहुंचाएं, तभी हमारा जो बलिदानी हैं उनका सपना साकार होगा।